ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा कि जिससे तो आपकी दरिद्रता, घर में जो दरिद्रता का अभाव है, घर में गरीबी का माहौल है और घर में बरकत नहीं होती, लक्ष्मी नहीं रुकती और कोई काम धंधा आपका नहीं चलता और आप पैसे को लेकर, धन को लेकर आप हमेशा परेशान रहते हैं और आपके तो कोई भी कार्य आपके नहीं बनते, क्योंकि तो आज की दुनिया में कि जब मतलब धन के बिना कोई कार्य नहीं है और अगर आप धन से वंचित हैं और आपका काम चलाऊ कार्य चल रहा है और आपके अंदर मतलब धन की बरकत नहीं है और आप तो धन के बिना आप बहुत परेशानी महसूस करते हैं और आपकी दरिद्रता मतलब छाई रहती है और घर की जरूरत की चीज़ें भी आप पूरी नहीं कर पाते, तो देखिएगा यह प्रयोग करने से तो गुरु मुख्य नक्षत्र में एक हल्दी का प्रयोग है और ये छोटा सा प्रयोग आपको इतने लाभ देगा, मतलब ये मान के चलिएगा कि इसमें धन और लक्ष्मी का परमानेंट निवास आपके घर में हो जाएगा और वह हमेशा के लिए तो आपके घर में स्थिर हो जाएंगी और जो चिरकाल तक इसका प्रभाव बना रहेगा और आपके घर में सुख समृद्धि तो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और आप इसका स्वयं चमत्कार देखेंगे और 3-4-6 महीने के बाद तो आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि आपको कितने लाभ प्राप्त हुए और आपको अगर लाभ प्राप्त होते हैं तो आप मुझे जरूर बताइएगा ताकि तो हम भी आपको इसी तरह की आपको जानकारियाँ देते रहे और हमें भी मतलब थोड़ी संतुष्टि हो कि जो उपाय मैंने बताया तो उससे आपको लाभ प्राप्त हुए। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइए और इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इसी तरह की क्या आपको जानकारियाँ मिलेंगी, आपका मार्गदर्शन होता रहेगा और आप उससे लाभ प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि हम कोई उपाय आपको बताते हैं और आप उसको श्रद्धा विश्वास से करते हैं और आपको लाभ नहीं मिले तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हम जो उपाय आपको बता रहे हैं, मैं जो आपको उपाय बताता हूँ उसके आपको 100% लाभ मिलेंगे, लेकिन एक शर्त है। उपाय तो मैं आपको जरूर बता रहा हूँ लेकिन आपको क्या करना है, आपको जितना भी उपाय कोई छोटा हो या बड़ा हो तो इससे कोई मतलब नहीं है, आपको आप उसको श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। आप जितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे आप देखिएगा उसके 100% आपको 200% आपको फल की प्राप्ति होगी और जरूर होगी, ना हो ऐसा नहीं हो सकता। और जिस दिन आप कोई उपाय करते हैं तो उस दिन आप क्या करें, प्योरिटी से रहें, शुद्धता से रहें, अंडा मांस मछली नहीं खाएं, तो कोई फिजिकल रिलेशन मेंटेन नहीं करें, यानी प्योरिटी से रहना है उस दिन आपको, शुद्धता से रहना है और ये एक दिन का प्रयोग है। और ये एक दिन का प्रयोग आपको किस दिन करना है, गुरुवार के दिन पुख्य नक्षत्र, इसको बोलते हैं गुरु पुख्य नक्षत्र। जब गुरु पुख्य नक्षत्र आता है तो आते रहते हैं, तो आप कोई पंचांग से किसी पंडित के द्वारा या पंचांग में देखकर आप मालूम कर सकते हैं। तो गुरुवार के दिन पुख्य नक्षत्र, इसको गुरु पुख्य नक्षत्र बोलते हैं, उस दिन आप क्या करें, 3 हल्दी की दिशाबुद गांठ ले लें, जो आपकी दशाबुत हल्दी होती है तो 3 जो है दशाबुत गांठ ले लें, लेकिन वो देखना कोई कटी फटी या क्रैक नहीं होनी चाहिए, तो 3 गांठ आप लेकर उससे पहले आ जाए और गुरु पुख्य नक्षत्र के दिन नहा धोकर आप अपने पूजा के स्थान पर बैठें और उनको एक प्लेट या कटोरी में तो उनको अपने सामने रख लें, साथ में एक गांठ उसमें है गणपति भगवान की और दूसरी गांठ है उसमें लक्ष्मी माता की और तीसरी गांठ है उसमें तो आपके बृहस्पति तो भगवान की, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भी बहुत सुख समृद्धि और धन के दाता हैं और आपको आप घर की सुखियाँ देते हैं और आपको सुख संसाधनों में आपकी वृद्धि करते हैं, मतलब धन की वृद्धि करते हैं। तो 3 गांठ आपकी हो गई, तो एक गणपति की, एक लक्ष्मी जी की, हमारे गुरुवार की, तो जो गुरु भगवान की, देव गुरु बृहस्पति की, और गुरु पुख्य नक्षत्र आपका हो गया। तो इसमें आप कटोरी में सामने रखिए, उसको जल के छींटे मारिए और 3 गांठ को हल्दी का तिलक लगाइए और थोड़े अक्षत मतलब चावल और पुष्प उनके ऊपर डालकर आपको ओम गंग गणपते नमे, ओम गंग गणपते नमे, ओम गंग गणपते नमे 108 बार एक माला का जाप कीजिए उसको गांठों को देखते हुए, साथ में फिर आप एक माला का ओम ब्रंग बृहस्पते नमे, ओम ब्रंग BRANG ब्रंग, ओम ब्रंग बृहस्पते नमे, ओम ब्रंग बृहस्पते नमे, ओम ब्रंग बृहस्पते नमे 108 बार इस मंत्र का जाप कीजिए। तो 2 मिनट ये हो गए और 2 मिनट ये हो गए, 4 मिनट हुए। अब आपने क्या करना है कि आप एक लक्ष्मी जी का तो जो है 27 या 108 बार आप लक्ष्मी जी का कोई भी एक मंत्र ले सकते हैं कि जैसे एक लक्ष्मी जी का तो मतलब थोड़ा बड़ा मंत्र है, अगर आपको तो ये नहीं आएगा तो मैं आपको छोटा मंत्र बताता हूँ। एक मंत्र तो है ओम श्रीं हिं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं हिं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, ठीक है। और एक मंत्र दूसरा है ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः। तो आप 108 बार या 27 बार इस मंत्र का जाप करें, उसके बाद उसको धूप दीप दिखाकर और आप क्या करें, गणेश जी की और लक्ष्मी माता की आरती करें। तो एक गांठ को आप अपने पूजा के स्थान पर ही रहने दें, फिर दूसरी गांठ को आप उसी समय उठाएं गुरु पुख्य नक्षत्र में पूजा के बाद तुरंत, और जो आपके घर की तिजोरी, जो आपका गल्ला जहां रुपया पैसा अपना धन रखते हैं वहां पर उसको स्थापित कर दें,
और किसी पीले कपड़े में लपेट कर, और उसके बाद एक गांठ जो आपकी बस्ती है तो उसको भी पीले कपड़े में लपेट कर, तो या तो आप अपने पर्स में अपनी पॉकेट में रखिए, और या आपका दुकान गल्ला कोई ऑफिस है तो वहाँ उसकी तिजोरी में आप गल्ले में रख सकते हैं। तो यह है, और प्रतिदिन तो आप इन तीनों गांठों को इनको तो जितना यथासंभव हो सके थोड़ी धूप दीप दिखाते रहे तो देखिएगा इसको अप्रत्याशित आपको लाभ मिलेंगे और आपको धन लक्ष्मी का धीरे धीरे आपके अंदर वास होता निवास होता चला जाएगा और उसका लक्ष्मी का धन का आगमन आपके यहाँ शुरू हो जाएगा। तो ये स्थिति आपके बहुत पॉजिटिव बनेगी और इसके बिल्कुल स्वयंभूत प्रयोग है जो हमने बहुत लोगों पर किए हैं और बहुत लोगों को इसको लाभ की प्राप्ति हुई, तो आप भी इसका लाभ उठाएं। लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कि ताकि इसी तरह की मैं आपको मतलब जानकारियाँ देता रहूं और आप लाभान्वित होते रहें। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगले टॉपिक में हम आपको एक नए उपाय के साथ और एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री हनुमान।